ये मैं सियालकोट के बिल्कुल एंड पे आया हूँ, सियालकोट लाड़ी अड्डा है। ये बसें हैं राजा बसें, राजा बसें के बिल्कुल एंड पे आके कोने पे ये जो है ना ये वर्कशॉप है जो मज़ा कोस्टर वगैरह तैयार करते हैं बॉडी। ये गाड़ी है कुछ, हो जाएगी वैसे आज तैयार? कौन सी? नहीं नहीं सर, ये होगी कल, गाड़ी होगी मुकम्मल कल जी। उसके अलावा उसका भी मिल गया है? नहीं अभी उसका भी बात हो रही है कि डन हो गया? अभी डन होनी है, होनी है। मतलब वो भी दो दिन तक लग जाता है इस पर तैयार होने में? नहीं तीन दिन लग जाते हैं, तीन दिन में, क्योंकि माल छोटा छोटा जैसे ये हो गया जी, बड़ा ये हो गया बड़ी वाला आराम आराम से करने वाला काम है, वो काम आराम से करने वाला ना जी। तो इसको मुनासिब तब ही होगा जब इसको आराम से किया जाएगा जी, क्योंकि जल्दी में जारी सी बात है आपको पता है, जल्दी जो शैतान की काम है जी, शैतान के काम में हमेशा खराबी होता है, ऐसा ही है, जल्दबाजी होती है ना जी जी बिल्कुल। 24,000 वैसे ले रहे हैं आप जी? जी सही है, फुल डेकोरेशन अभी देखें, मैं ऊपर भी लगा रहा हूँ। हाँ मैंने देखा है ऊपर, ऊपर भी तैयार हो रही है, कुछ थोड़ा सा लग गया है, बाकी आगे से ये होना है जी जी। अभी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मसला ट्रेंड बनेगा जी, जैसे ये गाड़ी है ना जैसे मुकम्मल के। वैसे आप कितने मांगते, कितने हैं पूरी गाड़ी को तैयार करने? पूरी गाड़ी को तैयार करने के लिए मांगते हैं हम पैसे, मतलब मांगते तो हम पैसे पूरी गाड़ी तैयार करने के लिए 25,000। सही है, सही है। फाइनली जब सारी सी बात है, मुँह मांगी मौत तो नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ऐसा ही है। तो ये कि वो बोलते हैं यार कुछ कम करो, कुछ आगे पीछे लोग आ जाते हैं, पड़ जाते हैं, मतलब कि यार दोस्त यार, मतलब जानने पहचानने वाले जी, तो बोलते हैं यार कम करो, चलो कोई बात नहीं, बंदा अपने जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम कि वो 24 पे 25, जहाँ 26 पे बात करनी है वहाँ 24 पे 23 पे बात हो जाती है। सही है, वो जाहिर सी बात है, ये भी ऐसे जैसे कोई गाँव फंसाने वाली बात है। आपको मेन काम स्टिकरों वाला ही है ना, स्टिकर ही लगाने हैं ना जी मैम? जाहिर सी बात है, देखिए कलर हो जाएगी गाड़ी ना जी, वो देख रहे हैं आप जी, वो ही है बिल्कुल, मैंने देखी है, कलर हुई भी है ना जी, मगर जब ये डेकोरेशन होगी ना जी और प्यारी हो जाएगी, भारी सी बात है, उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी ना जी, उसकी तो माशाल्लाह खूबसूरती बढ़ जाएगी, वो एक डेकोरेशन भी हो चुकी है जी, तो मुकम्मल से काफी गाड़ी तैयार हो चुकी है जी। वैसे ये कुछ होता है ना, ये नीचे ये चांगियां टाइप कुछ लगी हैं, ये इस तरह वगैरह की चीजें, वो भी ये साथ ही आपका काम पे वो अलग है? नहीं वो भी मैं कराची में करता हूँ, यहाँ नहीं करता। सही है, यहाँ अलग है जी, कराची में एक ही जगह जी, कराची में ना एक ही जगह पे बस, यहाँ पर अलग है। सही है, सही है, यहाँ पर ये है सिस्टम के आपको मतलब मुकम्मल जो है ना काम एक ही काम सूट पे करेगा जी, और डेकोरेशन का कर रहे हैं, कलर का कर रहे हैं जी, आपको मैनेज किया जाएगा एक ही काम पर। सही है, वो फिर ये सिस्टम होता है जी, मतलब उधर ये है कि काफ़ी ज़्यादा काम है, एक ही आदमी है वो सारा कुछ करके दे रहा है जी, वो ही करके दे रहा है। इधर ये है कि इधर एक काम आपने पकड़ा है, वो ही चले आराम से करते हैं। हाँ, वो मुकम्मल करना है, उसको मुकम्मल करते हुए टाइम जितना मर्जी लग जाए उसमें कोई इशू नहीं है जी, ठीक है ना? सही है, ये प्रोसीजन होता है ये भी एक चीज़ का जी, जो प्रोसीजन वो मुकम्मल करना चाहते हैं वो जैसे भी है जी, यार ये काम है वो काम है, मतलब अलग अलग काम एक होता है जी, कलर वाला अलग है, डेकोरेशन वाला अलग है, पोशिंग वाला अलग है जी, जैसे कि ड्राइवर अलग है, मालिक अलग है जी, ऐसे ही ये सिस्टम जी, अभी चलता रहता माशाल्लाह जी। देखो अल्लाह पाक की ज़ात ने हर किसी को देना जी, बिल्कुल ऐसे ही, इंसान ने मेहनत करनी है, इंसान ने मेहनत करनी जी है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक अच्छे से अच्छी चीज़ें अता फरमाते हैं जी, कोई इंसान है वो सबर शुक्र करते हैं, और कोई इंसान है वो करके भी, अभी कभी कभार ना हम भी ये काम से अपने काम से भी अक जाते हैं। सही है कि यार इतना मुश्किल, यार रात दिन बुरा हाल हो जाता है। सही है, कभी कभार करते हुए जी, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हुनर है जी, और जो हुनर है ना वो सबसे बड़ी आला चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि तलीम है जी, तलीम भी आप आजकल आपको क्या किया जा रहा है, तलीम है ठीक है ना, उसके साथ आपके पास पैसे हों तो फिर आप कोई अच्छी सी जॉब कर पाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल वरना नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो बहुत सारा लोग हैं जिनके पास तलीम है तो आगे काम कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल। पूछा जाए जी वहाँ, जी वहाँ देने गए हुए थे कोई, ठीक है ना जी, डिडक्शन देने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो भाई अपने रिश्तेदारों के रखते हैं जी, रिश्तेदार क्या होता है वो, जिनकी सिफारिश वगैरह हो ऐसे, वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं 200-300 लोग,
तो जो जो जिसकी सिफारिश चल जानी है उसको उन्होंने रख लेना है, बाकी लोगों ने सिफारिश होगी ठीक है। कोई किसी का सिक्का चलेगा जी और किसी का नसीब चलेगा जी, ऐसे ही है। और जिसका नसीब चलता है वो जारी सी बात है बढ़ता हुआ जाता है जी, और जिसका सिक्का वह चलता है वो सारा सिक्के पे रह जाता है जी, ऐसे ही है। बस यही बात है। और मैं जब आया था कराची से तो मैंने माशाल्लाह से ये काम किया ठीक है ना जी। कराची में किसी के पास काम करता था सही है, तो आज माशाल्लाह आया हूँ गुजरा वाले दुकान है मेरी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से निज़ाम चल रहा है शुक्र अल्लाह पाक का जी। ये हिसाब किताब सही है, तो अपना काम है ना, हुनर है तो ज़ाहरी सी बात है अपना काम कर पा रहे हैं ना जी बिल्कुल। ना हो तो फिर तो ज़ाहरी सी बात है कि भाई कोई ना कोई इशू करा होगा या कोई ना कोई फैक्ट्री पे लग गए ये कर लो वो कर लो जी, फिर उसका मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, हुनर भी तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अब ये माशाल्लाह हमारे जो से उस्ताद मिठू हैं जी, इनके पास सारा प्रोसीजर इनके पास आता गाड़ियों का जी ठीक है ना, इनका ये सारी मतलब बनाते ही है गाड़ी पूरा, इन्होंने ठेका लेना पूरी गाड़ी जी, पूरी गाड़ी का ठेका जो जो इनका काम है ना बस वो लेंगे जी। कलर वाला कलर का ठेका लेंगे सही है ठीक है, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन का ठेका लेगा सही है, मगर वर्कशॉप का नाम है बस मिठू उस्ताद की तरफ से सही है, समझ जी मिठू उस्ताद की तरफ से वर्कशॉप का। वो बहुत पुराने हैं वैसे इधर है ना। हाँ उनको कम से कम 30-35 साल हो गए। हाँ 30-35 साल हो गए उनको जी, तो ये साथ ही जो सा नहीं कैबिन पड़ा हुआ जी जी ये उन्हीं का ना सही है, और जो आपके पीछे कैबिन है वो जो सा ना उनके पेंटर का होगा, पेंटर का होगा जी। तो ये माशाल्लाह फिर ये बनाते हैं जी, ये फिर आगे से हमें मिलता है जारी से बात है, आगे से हमें ऑर्डर मिलता है गाड़ी का कि डेकोरेशन करनी है गाड़ी जी, हम आगे से करते हैं डेकोरेशन गाड़ी सही है। वो डेंटर का काम होता है कुछ जी, जब गाड़ी कोई ऐसे लगी हुई हो या कोई ख़राब हो जी, उसको चादर गल गुल गई हो गई है उसको न्यू बनानी है, तो फिर वो ऐसे सिस्टम होगा जी। बस अल्लाह पाक हर किसी को रोज़ी दे रहा है बिल्कुल ऐसे ही, हर किसी का माशाल्लाह रोज़गार चला हुआ है लगा हुआ है, बस ये अल्लाह पाक की हर चीज़ की घूमते हैं जी। बाकी तो भाई ये चीज़ें ये बनावटी चीज़ें हैं जी, जैसे ये के लोग चलाते भी हैं कमाते भी हैं अच्छे से, और ट्रांसपोर्टर में तो आपको पता भी है जी, ट्रांसपोर्टर में है ही अच्छा खासा पैसा भी तो है जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, है तो फिर के देखे ये है ना गाड़ी है जी, इस मालिक की गाड़ी है ये हिसाब लगाएं, आखिर उसने खर्चा करवा रहा है क्यों करवा रहा है जी, वो कमाएगा तो बाद में इसमें जी, ऐसा ही है मतलब जितने उसके लगाएगा उसने उससे ज्यादा कमा लेने उसने ठीक है ना, उसका वो जो सा ना जो भी होगा नुकसान नफा नफा नुकसान जो भी जी उसने बाद में मैनेज कर लेना सारे काम जी। बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है ना, बस ये चीजें होती हैं जी। एक दफा तैयार हो जाएगी बिल्कुल नहीं हो जाएगी, कोई काम नहीं इसका होने वाला होगा, फिर रोड पे चलती रही करेगी परेशानी भी कोई नहीं होगी, फिर इसने कमाना ही है कमाना, फिर इसने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंजन का काम है वो तो होता रहता है, या वो छोटे मोटे काम तो इंजन के होते रहते हैं, तो वो तो इधारी सी बात है, वो चलेगी गाड़ी पे वो तो निकलेंगे काम, वो गाड़ी खुद ही ऐसे करवा लेती है। जब इंसान है जी वो चल चल के बीमार भी तो हो जाता है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है नहीं जी, तो यही है, तो वो छोटे मोटे काम तो फिर वो गाड़ी खुद ही साथ साथ अपने करवा लेती है, बंदा निकलवाती है निकलवा के फिर वो उसकी भी चीज़ें उसको निकाल देती है जी, उसका भी नफा मुनाफा हो जाता है जी। और कभी कभार तो अल्लाह माफ करे कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट का कभी नाम भी नहीं आता जी, हमारे काम में भी ये होता है जी, और कारोबार भी इसी का नाम है जी। बिल्कुल ऐसे ही नफा में कभी मुनाफा में जी, नफा मुनाफा हर चीज यही होता है, कभी नुकसान हो गया भाई आज अच्छा हो गया जी, हाँ आज बुरा हो गया कल अच्छा हो गया जी, कोई बात नहीं ये तो चलता रहता है ऐसा ही है। बाकी ये है कि फैक्ट्री में भी गाड़ी जो लगी भी है ठीक है ना, वहीं वो महीने का रिचार्ज अच्छा से निकाल लेते हैं जी, उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है, उनको फायदा ये होता है कि वो कुछ भी नहीं ना खा पी के मतलब गाड़ी का सारा खर्चा निकाल के अपना खर्चा निकाल के 70-80 हज़ार रुपये बच जाता है जी। बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है, उसमें गाड़ी बची भी रहती है थोड़ा बहुत चलना है उसने गाड़ी ने, हाँ सारा सारा दिन खड़ा रहना, सारा दिन खड़ा रहना, सिर्फ शाम को जब छुट्टी होगी जी या जब उनको ना फैक्ट्री में लेके आना है जी, बस उस दिन आनी गाड़ी से चलना जी, उसके बाद तो उसने खड़ी रहना गाड़ी, उसके अलावा इतवार की भी छुट्टी, इतवार की भी छुट्टी, इतवार को भी खड़ी रहेगी गाड़ी, उसके अलावा उस साइड पे होता है जी, और छोटे मोटे काम वगैरह छुट्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, छुट्टी जब आ जाती है वो तो कॉलेजों में स्कूलों में ये सिस्टम होता है जी, जब छुट्टियाँ आ जाती है दहाड़ी की बात है वो फिर भी पैसे कमा लेते हैं जी, और इनको बुक आ गई जी ठीक है ना, यार को फलानी जगह पे जाना बुक पे, चलो जी ले चलेंगे कितने पैसे भाई इतने पैसे जी, वो बुक पे ले जाते हैं गाड़ी, गाड़ियाँ शादियों पे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बात है गाड़ी का तो जाहिर बात है कि गाड़ियों में ऐसा कि शादियों में ऐसा काम आ जाते हैं इनका
तो इनको मुनाफा भी बहुत से बहुत अच्छा हो जाता है माशाल्लाह जी। इनका एक ये भी फायदा है ना कि साथ एक ड्राइवर का भी काम चलता है, मालिक का भी, दो दो काम घर चलते हैं। अल्लाह पाक ने हर किसी का रोजगार बनाया जी, ठीक है ना जी। कहना क्या जी, रोजगार है जी, हर किसी का चला हुआ जी। अल्लाह पाक हर किसी को रोजी दे रहा माशाल्लाह से, अच्छे से दे रहा जी, बिल्कुल मालिक का जी जी। हर कोई कमा रहा है अच्छे से, अच्छे बस ऐसे ही है जी, रोजगार ही इसका नाम जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक एक गाड़ी में माशाल्लाह कितने कमाने वाले हैं जी, उसके अलावा पुलिस वालों को जो अड्डे पे दे के जाने हैं गाड़ी वाले ने, गाड़ी वाले को अड्डे पे दे के जाने हैं, तो यहाँ पर जब गाड़ी निकलेगी वहाँ पर भी देने हैं जी, वरना बहुत सी जगह पर गाड़ी वाले भी लेने पर आगे भी देने, रस्ते में अगर कोई पुलिस वगैरह मिल गया उसे भी देना, पुलिस वाले को भी देने हैं, क्या करें जी, ऐसा ही टू प्लाजा भी देने, टू प्लाजा भी होता है, मतलब बड़े से इतने मामला थे सारी की बात है। और ये गाड़ी के जो इतने खर्चे किए जाते हैं ना, बाद में वो मुनाफा भी देती है तो किए जाते हैं ना जी, बिल्कुल ऐसे। देखो गरीब बंदा तो वैसे ही घबरा जाए जी, तो यार ये अभी इधर भी पैसे भरने पड़ेंगे यार, इधर भी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ यार इधर भी पैसे, चलो यार कोई बात नहीं, वो होगा ना, बोलेगा यार इधर पैसे, कोई बात नहीं दे दो यार गाड़ी निकाल दे जी, ऐसा ही है। तो ये बंदा जिगरे वाले करता है जी, ये जिगरे वाला, जिगरा किससे आता है, पैसों से आता है जी, ऐसा ही है, ठीक है ना जी। वो जिगरे वाला वैसे होता है दिल का बड़ा, यार कोई बात नहीं जी, ठीक है ना। मुखलिस का भी जो इंसान है, मुखलिस है जो कोई भी इंसान है, ठीक है ना, वो आखिर पीछे थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि वो अपनी मुखलिस ही रहता है जी, बिल्कुल ऐसे ही मुखलिस से रह जाता है जी। बाकी तो चल चला है, लगे भी है, लगे हुआ है, चल रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, हर बंदा ही काम कर रहा है जी। उसमें क्या है, तो वो जो सा होता है बेचारा के बोलता है यार मैं मुखलिस हूँ, मैं मतलब कि मैं इसको दा लगाऊंगा यार ये वो जाहिर सी बात है, वो पीछे रह जाता है जी। आजकल का दौर भी तो वैसे भी आया, क्या करे बंदा, बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह महंगाई है हर चीज में, हर चीज ऊपर जा रही है। चीनी लेने जाओ तो भाई 170 रुपए किलो जी, दूध लेने जाओ भाई 180 रुपए किलो, जो जो असल कीमत से डबल से भी ऊपर चले गया काम। जारी सी बात, हम पहले गाड़ियां करते थे तकरीबन 10,000 रुपए की डेकोरेशन होती थी फुल गाड़ी की, सही है, आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की बात, सही है। तो और आज वही डबल 20,000 भी दो ना, 20,000 भी जी, फिर भी बोलते हैं यार समझ में नहीं आई, सही है, क्यों भाई नहीं आई, भारी सी बात है भाई, नहीं आई समझ में तो फिर क्या करें, जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ जी, बिल्कुल ये सिस्टम होता है जी। बाकी ये कि अल्लाह पाक की ज़ात पूरा कर ही दे रहा है जी, तो जैसे पहले बरकतें होती थी वैसे बरकतें हैं नहीं अभी, ऐसा ही है कि जैसे बस 10वें भी पकड़ते थे ना गाड़ी जी जी, तो गाड़ी का अल्लाह की कसम पकड़ने का मज़ा भी आ जाता है यार, गाड़ी पकड़ी मैंने जी, डेकोरेशन का काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है काम करने जी। तो अभी 20वें भी गाड़ी, 22वें भी पकड़ लेना जी, तो उसकी वो एवरेज नहीं पूरी होगी, क्यों, सही है, अल्लाह बेहतर जानता क्यों पूरी होगी, पैसों की हवस बढ़ गई है जी, है ना, खर्चा बढ़ गया, क्या करें जी, ऐसे ही है, हर चीज़ तो बढ़ी भी है, बिल्कुल ठीक है ना जी। रोटी लेने जाओ तो भाई 25 रुपये की रोटी है जी, फिर बंदा सोच पे पड़ जाता सालन किससे लें जी, ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बाकी जो किस्मत में हो देने वाली बात है जी, बस अल्लाह पाक की ज़ात ही पे रहम कर रही है जी, जो हालात तो रहम वाले हुए नहीं फिलहाल, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी चीज़ लेने चले जाए तो वो नाप तोल में भी कमी है, कोई अगर 2 किलो चीज़ भी ले ले तो किलो नहीं मिलती, मरने वाले ने जी लाते मरने वाले ने मौका मरने जी, जाहिर सी बात है वो भी बड़ा औखा है जी, वो भी कई फांस रिक्शा ड्राइवर है ना, कोई भी रिक्शा ड्राइवर है जी, उसको भी परेशानी आ जाती है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही, ये भी बोल देते हैं यार क्या हो गया, कोई परेशानी आ गई क्या हो जी, महंगाई इतनी, पेट्रोल बढ़ गया 300 लीटर पेट्रोल हो गया है, क्या करें जी, इतने पैसेंजर उठाते हैं, इतनी बचत नहीं होती, तो भाई कैसे बचत है जी, महंगाई बढ़ती भी जा रही है, ठीक है ना, फैक्ट्रियों में सैलरी नहीं मिल रही जी, कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, क्या करें, जो हालात हुए हैं जी, हाँ ना जी, बिल्कुल मजबूरन, फिर कुछ घरों की बेटियों को काम करना पड़ता मजबूरन, ऐसे ही वो बाहर जाती हैं बेचारी, फिर वो तोहमतें ले लेती हैं कोई ना कोई जी, कि जी इन पे ये तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसी, जी चाहे बेचारी घर से कमाने क्यों नहीं निकली भी जी, दूर इस तरह का जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जो गलत है ठीक है ना, और सही को भी देख के तो बंदा बोलने लगता है ये भी गलत ही है जी, ऐसे ही, ये तो सोच पे डिपेंड होता है जी,
कि हर किसी की सोच उसकी अपनी सोच के साथ है जी। क्या करें, अभी आप फैक्ट्री डी की तरफ जाए ना जी, के मतलब के जितने मतलब लड़के काम कर रहे हैं ना जी, उससे ज्यादा लड़कियां भी काम कर रही हैं जी। ऐसे ही क्या करें, मजबूर है, मजबूरी के मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। फिर आगे से उनको तोहमतें भी मिल जाती है, भाई ये नहीं सही, वो नहीं सही, क्या नहीं सही जी, वो मजबूरी से निकले हुए तो तोहमतें लगा दी जाए जी। बहुत से मामला खराब हुए हैं जी। चलो अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं जी। जिस तरह के हालात हुए हैं कि दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं, कोई खर्चे का सीजन ऐसा हुआ है कि कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा जी, बहुत से मामला खराब हुए हैं बिल्कुल ऐसे, बहुत लोग गुस्सा हो रहे हैं बहुत सामने से भी। देखिए चाहे ये आपका काम है यूट्यूबर जी, आपका भी काम है, वही की बात है जी बिल्कुल। कभी कभी आपको भी उसका भी मतलब किसी का मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है आपको भी जी। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही करना पड़ जाता है, होता है। जैसे आपने बोला भाई वीडियो बनाने, मैंने बोला ठीक है बना ले, क्यों जी, कि भाई क्या है वीडियो में क्या उतार रही है आपने जी गाड़ी में से जी। कोई होते हैं यार वीडियो बना ले, क्यों बनानी भाई वीडियो, क्या मसला करते हैं ऐसे बहुत ज्यादा लोग करते हैं, क्या मसला क्यों बनानी वीडियो, पता नहीं वायरल करेगा ये करेगा वो करेगा जी। बना दें तो यार उसको अपनी रोजी कमाने दो, तुम अपना काम करो जी बिल्कुल ऐसे ही। कौन सा आप मुझे मुझे हाथ रोक रहे हैं भाई, नहीं करना जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ जी। ऐसे ही ऐसे ही है, कर तो रहा हूँ, आप भी वीडियो बना रहे हैं, बस आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ जी बिल्कुल। ये लगा हुआ रोजगार, ये भी एक हिसाब से रोजगार ही लगा हुआ जी बिल्कुल ऐसे ही। बस जी दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है जी, जिसका जितना काम करता है उतना काम करता है, जिसका नहीं करता फिर बड़ा ज़बरदस्त स्टिकर बन गया है माशाल्लाह से। स्टिकर कैसे जोड़ा है आपने, तो बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार हो गया। जान सी बात है, वो स्टिकर है ना जी, तो डेकोरेशन का नाम भी तो यही है ना, यही चीज़ है कि इसको खूबसूरती में लाना है जी, खूबसूरत बनाना है जी। तो हम खूबसूरत ऐसे ही बनाएंगे इसको जी, कि स्टिकर से स्टिकर भी जोड़ना पड़ता है, काफ़ी ऐसे बनते हैं चीज़ें बनानी पड़ती है हमें। आपका किस नाम से है YouTube? इस्लाम मोटर्स। इस्लाम मोटर्स जी। तो आप भी ट्रांसपोर्टर के ज्यादा कर रहे हैं जी। और गाड़ियां हैं आपके कोई? जी है, कौन सी? हाईएस है, टोयोटा हाईएस। अच्छा जी जी, कहाँ चलती है ये? सियालकोट से गुजरने वाले, गुजरा वाला से सियालकोट जी। ठीक है माशाल्लाह, अच्छी बात है। देखें जी काम है आपका भी ट्रांसपोर्टर का जी, बहुत से काम है माशाल्लाह। ट्रांसपोर्टर का काम आपको भी पता है कि कैसा है जी, कि वाहिद काम ऐसा है कि ट्रांसपोर्टर का कि मतलब पैसे भी हैं ज़्यादा जी। ठीक है ना, और जब झटका लगे तो सबको लगता है, अकेले को नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तो ट्रांसपोर्टर है ना जी, जब एक व्हील चलता रहता वो रोजगार बनता रहता जी, तो एकदम से जाम हो जाए सबका काम बंद हो जाता है जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर का काम ऐसा है कि जो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग करनी है, वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करनी है जी, बहुत से काम है। अरे भाई जान, बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा मालूम भी दी है, तो आपने अपना कीमती टाइम में से कुछ साथ साथ बहुत प्यारी बातें भी आपने बताई हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। ये एक गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बिल्कुल नया फ्रेश पेंट हुआ है इसे, तो मेरे पीछे आप मैं दिखाता हूँ पहले पीछे से आपको, ये गाड़ी है बिल्कुल फ्रेश, इसको पेंट हुआ है, तो बाकी इसकी जो डेकोरेशन है वो रह गई है। तो मैं आपको गाड़ी को दिखाता हूँ कि किस तरह इसका जो है ना पेंट वगैरह कैसा हुआ है। यस माशाल्लाह से ये देखें, शेख ब्रदर्स, ये इन्होंने ना इसको कवर वगैरह कर लेते हैं, ये मैं चेंज करनी होगी लाइटें, ये बिल्कुल साफ हो गए। ये जी देख सकते हैं आप, ये इस तरह इन्होंने बोला है, मैंने इनसे मालूमात ली है कि एक स्केच बना लेते हैं, वो एक सीकर टाइप स्केच बन जाता है, वो इसके ऊपर लगा के ना पूरी बॉडी पे लगा के, तो फिर उसके ऊपर ये पेंट करते हैं। पेंट ये जो है ना इसके अंदर ये पेंट है, येलो कलर ये भी पेंट है, ये सारा अंदर पेंट है। इसके बाद इसके जो है ना साइडों पे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टिकर लग जाएगा, उससे फिर इसकी जो बॉडी की डेकोरेशन है ना वो होर बन जाएगी। ये अभी माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश देखा ना, नीचे पेंट लगा है, फ्रेश पेंट। पहले इसको पूरा वाइट कलर में कर लेते हैं गाड़ी को तैयार वाइट कलर में करके, उसके बाद फिर वो स्टिकर लगाते हैं जिस पे ये सारा डिज़ाइन बना होता है, ये वाला
बॉडी वाला, वो डिज़ाइन लगा के तो फिर उसके ऊपर पेंट कर लेते हैं। ये देखें, ये भी इसका गाड़ी का डेकोरेशन का काफ़ी हद तक कुछ जो है ना काम, एक दो हफ्ते तक, एक हफ्ते का तकरीबन जो है ना इसका काम होने वाला रहता है। डेकोरेशन छोटे मोटे काम, अंदर की सीटों की पुशिश वगैरह भी जो है ना वो रहती है। ये इसमें कुछ नया काम है, ये वैसे कुछ इधर लगी है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ ये इतनी इतनी काट देंगे, पता नहीं, ये नई चीज़ मैंने इसमें देखी। इसके अलावा एक गाड़ी है, उसको पेंट इसी तरह हो गया, उसकी डेकोरेशन हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाता हूँ। ये गाड़ियाँ आई हैं सारी तकरीबन ये तैयार होने के लिए, इनके कोई छोटे मोटे काम भी हैं, कोई वो भी होने वाले हैं, तो वो भी उसी के लिए आई हैं। कुछ गाड़ियाँ एक दो गाड़ियाँ और तैयार हुई हैं। ये गाड़ी है, ये बिल्कुल पेंट हो गई है, इसकी डेकोरेशन हो रही है, मैं वो दिखाता हूँ। जैसे ये इसके ये स्टिकर नज़र आ रहा है, ये पेंट है, ये भी पेंट है, ये अंदर स्टिकर है इस तरह, ये जैसे ये स्टिकर है, कैसा प्यारा बनाया हुआ है। ये अंदर अंदर पेंट है इसके, ये सारा पेंट है। ये साइडो पे जो है ना ये चीज़, ये पट्टी, ये स्टिकर है, ये इसका पेंट आप देख, पेंट हो गया। ये नीचे इसके स्टिकर लग रहे हैं, ये जैसे ये सारे स्टिकर जो है ना इसको लगा रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं 24,000 रुपया, मेरा इसने से बात हुई है, 24,000 उसने लेना स्टिकर का, गुजर 24,000 लेना स्टिकर वाले ने। तो वो स्टिकर की ये चीज़, जैसे ये स्टिकर लगा ना, ये अंदर पेंट है, ये वाइट भी पेंट है, ये भी पेंट है, ये अंदर वाला स्टिकर है वो भाई लगा रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके अलावा ये नीचे डेकोरेशन ये चीज़ है, इसका फ्रेम है, ये एक फ्रेम साइड पे भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टिकर है सारा इसमें, ये इसकी नई लाइटें फिट हुई हैं अंदर। ये स्टिकर लगाया अभी इसे, ये भाई हमारे स्टिकर लगा रहे हैं, मैं उस तरह से दिखाता हूँ। उस साइड वाले शीशों को जो ना, ये वाले शीशे, इनको साफ करके पहले अच्छी तरह इसके ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। 24,000 रुपया इन्होंने मुझे बताया। बाकी आज इतवार है, संडे का दिन है, तो अब किसी इंशाल्लाह एक दो दिन तक मैं इधर चक्कर लगाऊंगा और इनसे मालूमात तो और लूँगा। तो यहाँ पे काम करने वाले हैं ना, ये फ्रंट देखें, ये सारी स्टिकर्स है, ये सारी वाइट कलर में गाड़ी है, तो सारे स्टिकर वगैरह लगा के गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। ये गाड़ी है, ये भी तैयार होने वाले के लिए आई है। ये ये इसका फ्रेम है, ये इस गाड़ी का फ्रेम हो तो ये पूरी गाड़ी जो है ना तैयार कर लेते हैं। लाहौर से, कसूर से इन्होंने इसका इंजन गियर हिस्सा ले आना है, बाकी गाड़ी को हर चीज़, इंजन गियर हिस्सा बंद इन्होंने लेके आना है इसका, और हर चीज़ जो है ना इसकी तैयार कर देनी है, बॉडी पे पकड़ के पूरी बॉडी ये बना देते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी भी तैयार होने के लिए, ये इसकी देखें, इन्होंने ना टचिंग मतलब को जो डेंटिंग पेंटिंग है, जितने डेंट वगैरह ना वो सारे निकल हो गए। ये देखें जो जोर जोर है ना,
ये अंदर से सारी पुशिश वगैरह, ये भी जोड़ है, ये मतलब जितना डेंटिंग वाला इसका काम है सारे निकाल के ना डेंट वगैरह, तो अब इसको पेंट होना है। ये अंदर हाले हाल देख लें, ये इसका अंदर से छत है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जब गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आपको तैयार होते भी दिखाऊं किस तरह इसकी चीज़ें तैयार होती हैं। सीटों की पुशिश वगैरह सारी लग जाएगी। इसके साथ है वो ग्रीन कलर में, वो भी गाड़ी तैयार हो गई है, उसको बस स्टीकर वाला डेकोरेशन उसकी भी होनी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह इसके जो है ना जितने पीस वगैरह ना ये सारे इसको लगा लग लेते हैं। ये सारा इसका पहला रंग सारा उतर जाएगा जैसे जैसे ये उतर के, तो बिल्कुल इस तरह हो जाएगी, तो फिर जाके इसको नया रंग कर देंगे। इसके बाद ये गाड़ी है बिल्कुल फ्रेश तैयार हुई है ग्रीन कलर में। तो मैं कोशिश वैसे करूंगा कि ना मैं एक दो दिन तक फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा, साथ साथ चक्कर लगा दूंगा। बेशक बेशक, हाँ चक्कर लगाइएगा जी, कि वो गाड़ी जो सी ना जी, अभी वो आप उसकी वीडियो बना के चेक कर लें जी, वो वाली तैयार हो गई ना जी, अब फिर आके दोबारा चेक करिए, क्योंकि आपको बेहतर से पता चल जाए कि ये काम किस टाइप का काम जी। ठीक है ना जी, देखें आप अभी से तैयार हो रही है गाड़ी जी, क्योंकि गाड़ी से बात है, गाड़ी हम मुकम्मल तैयार बना दिखा देंगे ना जी, वो तो बोलेंगे यार ये तो पहले की गाड़ी तैयार हुई भी दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना जी, जैसे आपको करेंगे तो अभी एक रंग हो गया, अभी इसमें आपकी वीडियो ले ली आपने रंग वाली जी, ठीक है ना, सादी गाड़ी के लिए तो ऐसे ही बाद में आपने ये चीज़ को दिखाना सही है। सारी बात है जी, आपका यूट्यूब का काम है जी, यूट्यूब में ये भी दिखाएंगे जी चीज़ ऐसे है, दोबारा कैसे बनाई जाएगी जी, कैसे इसको, जैसे ये साथ की गाड़ी होनी है ना तैयारी वाली, ये भी तैयार के लिए आई हुई है जी, तैयार के लिए आई हुई है, इसकी आप वीडियो बनाएं, उसके बाद आप इसको मुकम्मल से फिर इसकी वीडियो बनाएं जी, और जब ये कलर हो रही है उसके हिसाब से जी, तो जैसे ये कलर हो के फिर डेकोरेशन पे आएगी गाड़ी जी। ऐसे आपको भी मालूम, आपसे काफ़ी मतलब पता चलता हुआ जाएगा जी, आप देखने वाले भी ये बोलेंगे नहीं यार बाकी में कहा जी, बिल्कुल ऐसा ही ये सिस्टम होगा। अगर आप ऐसी ड्रेक्ट गाड़ी दिखा देंगे ना जी, वो बोलेंगे ये तो तैयार हुई हुई गाड़ी भाई लेके हमारे को दिखा रहा है जी, ऐसा ही है। जब आप जो व्यू है ना आपका मुकम्मल से जी, वो ढूंढेंगे तो आप उसको कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका भी नाम होगा, आपको भी पता चलेगा हाँ यार ये हमारा काम है जी। बिल्कुल, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी चीज़ की कमी ना होने दे आपको, बहुत ज़्यादा आपने मालूम दी है। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं वो लड़ने को लड़ते हैं, मतलब कि बदतमीजी वगैरह भी करने लग जाते हैं कि नहीं भाई जान कोई वीडियो मालूम कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं मिलनी। भाई मुझे ये बताएं, मैं अपनी मालूम दे रहा हूँ, मेरे दिल में कुछ भी जी, बिल्कुल ऐसा ही, किसी के दिल में जब खोड़ आए ना जी, वो अपना मतलब व्यू बताने में ना वो अपना करियल होता है जी, वो किसी को बता नहीं सकता जी, क्योंकि वो उस बोलते हैं कि यार नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल नजर लग जाती है, मानते हैं वो नजर लगती है जी, मगर देखो उसके साथ आप अपने दिल में ऐसे माशाल्लाह बोल देंगे ना जी, तो उसमें कोई इशू नहीं जी, बिल्कुल ठीक है ना। अगला बंदा बोले ना बोले, अपने दिल में तो बोल दिया जाए माशाल्लाह, हाँ यार माशाल्लाह अच्छे काम है जी, तो जब वो चीज में माशाल्लाह या इंशाल्लाह लगाया जाए तो माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाता है जी, ये तो हर किसी मुसलमान को पता है जी, बिल्कुल ऐसा ही। फिर ये मुसलमान होने के नाते फिर बाद में ये अड़ी अड़ी बातें करनी जी, बेरुखी बातें करनी, तो फिर उसमें मजा नहीं आता जी, बिल्कुल ऐसा ही। आप मालूम देने के लिए आए, हम आपको मालूम दे दिए बस जी, क्या हो गया, दो मिनट का टाइम ही खराब हो गया जी। अरे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर किसी दिन एक दो दिन तक मैं मिलूंगा आपको, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह ताला इससे अच्छी से अच्छी वीडियोस में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक गया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ वगैरह देखना चाहें, गाड़ी किस तरह तैयार होती है, क्या क्या काम इसका करवाना पड़ता है, कोशिश करता जाऊंगा आस्ता आस्ता इस तरह सारी डिटेल से वीडियो बनाता जाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल इस्लाम मोटर पे नहीं हैं तो मेरे चैनल इस्लाम मोटर को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई मालूमती वीडियो आपको चाहिए, जैसे ये मेरे पास ये पीछे गाड़ी है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गया, चलिए आपको कुछ ना कुछ मालूम तो मिलेगी ना,
तो मेरे चैनल को सलाम मोटर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।